नमस्कार, आदर्श विद्या मंदिर कोलिया की ऑनलाइन क्लासेस में आप सभी का स्वागत अभिनंदन। आज हम पढ़ रहे हैं पाठ 6, स्वस्थ तन सुखी जीवन। प्रस्तुत पाठ में स्वस्थ शरीर से ही स्वस्थ जीवन के बारे में बताया गया है। पाठ पढ़ने से पहले पाठ में आए कुछ कठिन शब्द हैं, सबसे पहले हम उनके अर्थ को जान लेते हैं, उसके बाद पाठ पढ़ेंगे। तो पहले हम कर रहे हैं कठिन शब्दार्थ। चौक, चौक का अर्थ होता है आंगन। हमारे घर में जो मकान के मध्य चौकोर स्थान होता है उसको चौक बोलते हैं। पते की बात यानी कि काम की बात। ऐनक, ऐनक का मतलब होता है चश्मा। शाबाश, शाबाश एक प्रशंसा सूचक शब्द है। तबीयत, तबीयत का अर्थ होता है स्वास्थ्य। स्वच्छ, स्वच्छ का अर्थ होता है साफ या पवित्र। वातावरण, वातावरण का अर्थ होता है आसपास का माहौल। फटाफट, फटाफट का अर्थ होता है जल्दी से। तंदुरुस्त, तंदुरुस्त का अर्थ होता है स्वस्थ। तरोताज़ा यानी कि ताजगी से भरा। रोज़ाना, रोज़ाना का अर्थ होता है प्रतिदिन। कीटाणु, कीटाणु का अर्थ होता है रोग फैलाने वाले जो छोटे छोटे जीव होते हैं उसको बोलते हैं कीटाणु। अमल करना यानी कि काम में लाना। विटामिन, विटामिन एक प्रकार का पोषक तत्व होता है। व्यायाम, व्यायाम का अर्थ होता है कसरत। टहलते टहलते यानी कि धीरे धीरे चलते। धीरज, धीरज का अर्थ होता है धैर्य। तो ये तो थे इस पाठ में आए कुछ कठिन शब्द। आइए इस पाठ को पढ़ते हैं हम। हमारा पाठ है 6, स्वस्थ तन सुखी जीवन। तो स्वस्थ तन यानी कि स्वस्थ शरीर से ही मनुष्य का स्वस्थ जीवन होता है। इस पाठ के बारे में, इसके बारे में इस पाठ में बताया गया है। शाम हो गई, दादाजी चौक में मुड्डे पर बैठकर बच्चों को पुकार रहे थे, मगर बच्चे तो मोबाइल गेम पर डटे हुए थे। आखिर सुषमा ने उनके बीच जाकर कहा, अरे क्या मिल जाएगा तुम्हें इन खेलों से, दादाजी के साथ बैठो तो दो बात काम की सीखोगे। तोशी, बिट्टू, हनी तीनों चलो बाहर। हाँ मम्मी, आप सही कह रही हैं, दादाजी की हर बात पते की होती है। कल भी तो कहानियों में कितनी अच्छी बातें समझाई थी, तोशी ने कहा। फिर उसके साथ तीनों बच्चे दादाजी के पास आकर बैठ गए। वह बैठे तो किराएदार के दोनों बच्चे खुशी और अन्नू भी पास आकर के बैठ गए। उनके हाथ साफ नहीं थे, पांव भी गंदे थे। उनको देखते ही दादाजी की बोहें ऐनक के फेरे से बाहर तक तन गई। वह कहने लगे, बुरी बात है गंदगी, अच्छी बात है सफाई। गंदगी बीमारी लाती है, सफाई हमें बचाती है। बच्चों ने खुशी और अन्नु की ओर देखा, तब तक वे हाथ पांव धोकर आ बैठे। दादाजी ने शाबाशी दी और बोले, साफ सफाई रखो भाई, अच्छी तबीयत हो उसके लिए साफ स्वच्छ रहना और वातावरण को भी साफ सुथरा रखना जरूरी है। तंदुरुस्त हो तो हमें सब कुछ अच्छा लगता है, हंसने हंसाने का मन करता है, रात को नींद अच्छी आती है और सुबह तरोताज़ा उठते हैं, हर काम फटाफट करते हैं, आलस्य हमारे पास फटकता नहीं है। हाँ दादाजी, खाना भी अच्छा लगता है, बिट्टू बोला। बिल्कुल सही कहा तुमने, भोजन पचता भी ठीक है और भूख भी अच्छी लगती है। तो अभी तक हमने पढ़ा कि दादाजी है वो एक चौक में मुड्डे पर बैठ करके बच्चों को पुकार रहे थे, लेकिन बच्चे क्या कर रहे थे, एक मोबाइल पर गेम खेल रहे थे। तभी सुषमा उनके बीच में जाती है और उनको बोलती है कि तुम्हें इन गेमों से क्या मिल जाएगा।
तुम जाओ और दादाजी के पास जाकर के बैठो तो कुछ दो बात काम की सीखोगे। तो बच्चे दादाजी के पास जाकर बैठ गए, लेकिन साथ ही उनके साथ में दो बच्चे और आए थे, खुशी और अन्नु। खुशी और अन्नु कौन थे? उनके किराएदार के बच्चे थे। वो भी दादाजी के पास आकर बैठे, लेकिन उनके हाथ और पैर क्या थे? गंदे थे। तो दादाजी ने उन्हें धोने के लिए कहा और वो दोनों जाकर के अपने हाथ और पांव धोकर आ गए और दादाजी के पास बैठे। तो दादाजी ने उनको शाबाशी दी और दादाजी ने उनको समझाया कि हमेशा साफ सफाई रखनी चाहिए, क्योंकि जब साफ सफाई रहती है ना तो हमें नींद अच्छी आती है और सुबह तरोताज़ा उठते हैं और हमारे पास आलस्य वो फटकता भी नहीं है, भूख भी अच्छी लगती है। अब इसके आगे क्या हुआ, दादाजी ने उनको क्या समझाया, ये सब वो हम अगले वीडियो में पढ़ेंगे। आज का कार्य है आपको इसके शब्द अर्थ करने हैं। इस पाठ में आए कठिन शब्द अर्थ लिखवाए गए हैं, उन कठिन शब्दार्थों को आपको कॉपी में करना है।